करेंगे इसकी। ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, इधर है पी, ये है क्यू और ये है आर, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है और इसमें बीच में सेंटर में एक पॉइंट दे रखा है ओ। ये पॉइंट है ओ, ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। फिर इधर एक पॉइंट है डी, ये फिगर ऐसे है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। अब ई और एफ को ज्वाइन कर रखा है, मुझे प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है गिवन। Given, DE is parallel to OQ. Given, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR. To prove EF is parallel to QR. तो ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन EF है ना, ये QR लाइन के पैरेलल है। ये चीज प्रूव करनी है। इसका प्रूफ देखिएगा, मैं कहूंगा इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, POQ ट्रायंगल में हम ये कहेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल दीजिए या थेल्स थ्योरम बोल दीजिए, सो बाय थेल्स थ्योरम, so by Thales theorem PE upon EQ ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है, तो PE upon EQ is equal to PD upon DO। इतना क्लियर है बेटा सबको? Yes sir। Equation number one बोल दिया इसको। अगला देखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, सिंस डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, so by Thales, आगे कर रहा हूं, so by Thales theorem, by Thales theorem यहां पर ट्राइंगल पी ओ आर में डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है, therefore PD upon DO is equal to PF upon FR।
डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. इक्वेशन टू, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर टू. अब देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन नंबर वन देखूं तो ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, और अगर इक्वेशन नंबर टू को देखूं तो ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है. मैं ये कहूंगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. आप लोग समझ गए कि देखो फर्स्ट इक्वेशन में पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में पी एफ अपॉन एफ आर भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है. तो इक्वेशन वन और टू दोनों दोनों ही जो है वो पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है. तो पी एफ अपॉन एफ आर पी ई अपॉन ई क्यू के इक्वल हो गया. समझ गए कि नहीं बताओ. बेटा क्लियर है दिशा? यस सर. समझ गए? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यानी कि थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप ही देखिएगा, बड़ा ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं पी क्यू आर की, तो इसमें देखो ये जो ये वाली जो चीज प्रूव हुई है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी ई अपॉन ई क्यू is equal to PF upon FR. इससे क्या समझ में आता है कि EF is parallel to QR. बताइए जी क्लियर है विदित? सर एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज. हाँ जी दोबारा देखिएगा, हम ना यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है ना जिसमें पैरेलल साइड्स दे रखी होती हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाता हूँ कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन होगा. तो अब जैसे यहाँ पर दो जगह दे रखी हैं पैरेलल साइड्स, तो एक तो दिया है मुझे डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो ये देखते ही मुझे समझ में आ गया कि डी ई और ओ क्यू ये दोनों पैरेलल साइड्स कौन से ट्राइंगल में है, पी ओ क्यू में. तो मैंने ट्राइंगल पी ओ क्यू में थेल्स थ्योरम लगा दिया. तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू देयर फोर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ. ये तो समझ में आ गया होगा इक्वेशन वन. यस सर. यस सर. ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, मैं दूसरा कंडीशन देखता हूँ. दूसरा इन्होंने दिया DF is parallel to OR. ये दे रखा है DF is parallel to OR. ये दे रखा है. तो DF और OR ये कौन से ट्रायंगल में लाई करता है, POR में. ये POR में लाई करता है. तो अब क्या करेंगे, अब मैं बोलूंगा कि PD upon DO is equal to PF upon FR. तो ये हो गया पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू. इक्वेशन नंबर वन में भी ये पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर टू भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है. इसका मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, पी डी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. और अगर मैं ये बड़ा ट्राइंगल देखूं पी क्यू आर, तो इसमें देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो गया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बताइए क्लियर है, समझ गए अभी? यस सर. यस सर. अमन क्लियर है? सर ये तो मैंने कर लिया था, मेरे को आता है वाला. ठीक है, चलिए जी. अगर आप लोगों ने अभी और क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो उनको ट्राई करिएगा. मैं अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करिए. होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में मेरे को भेजिएगा, जितना आपसे हो जाए फोटो जरूर भेजना. उसके बाद देखो अगला है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. Criteria for similarity of
एंगल्स ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं. तो पहला क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया if in two triangles triangle ABC and triangle DEF angle A is equal to इसका पहला अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है A, इसका पहला अल्फाबेट लिखा हुआ है D. इसका मतलब इसका एंगल ए और इसका एंगल डी ये दोनों अगर इक्वल है सेमी कॉलन तो इसका दूसरा अल्फाबेट है बी इसका दूसरा अल्फाबेट है ई यानी कि इस छोटे ट्राइंगल का एंगल बी और इस बड़े ट्राइंगल का एंगल ई अगर ये दोनों इक्वल है एंड इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी तो C पर तीन आर्क लगा रहा हूं ऐसे ही F पर तीन आर्क लगा रहा हूं और इस वाले ट्राइंगल का इसमें तीसरी पोजीशन पर लिखा है C इसमें F भी तीसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है तो एंगल C इज इक्वल टू F देन बाय ट्रिपल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बताइए जी क्लियर है. ये सिमिलैरिटी का साइन होता है. ये क्लियर है सभी बच्चों को बोलो. यस सर. यस ठीक है जी. ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ अब यहां पर हमने ये कहा है कि ये ना ये मार्क करने का तरीका होता है कि अगर यहां पर एक आर्क लगा रखी है और यहां पर भी एक आर्क लगा रखी है तो आप ये देखेंगे कि इस ट्राइंगल में एक आर्क यहां पर है और इस ट्राइंगल में एक आर्क यहां पर है सिंगल आर्क यहां पर है तो इसका मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा. इस वाले ट्राइंगल में बी पर डबल आर्क लगा रखा है और इस वाले ट्राइंगल में ई पर डबल आर्क लगा रखा है तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा. इस ट्राइंगल में सी पर तीन आर्क लगा रखे हैं ट्रिपल आर्क लगा रखा है और एफ पर भी ट्रिपल आर्क लगा रखा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. तो जब इस तरीके से दे रखा होता है कि तीनों एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के अलग अलग तीनों एंगल्स के इक्वल हो तो हम ये बोलते हैं कि वो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल सिंगुलर कहलाते हैं. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें नोट करनी है. नोट करके लिखिएगा if there are
two triangles as shown below. थर्टी डिग्री, ये वाला भी 30 डिग्री, ये 70 डिग्री और इधर वाला भी 70 डिग्री, ये दे रखा है और तीसरा एंगल दे नहीं रखा मेरे को, मेरे को तीसरा एंगल नहीं दे रखा है, सिर्फ दो एंगल दे रखे हैं, इसके भी दो एंगल दे रखे हैं, इसके भी दो एंगल दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना है 30, एंगल बी कितना है 70, तो 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ गया 80 डिग्री। फिर बात करते हैं ट्राइंगल डीईएफ की। इन ट्राइंगल डीईएफ एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका भी वही सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल डी 30, एंगल ई 70, लिखिएगा 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे करेंगे एंगल एफ कितना हो जाएगा, अब देखिए 180 डिग्री और 100 डिग्री को इधर ले आएंगे तो एंगल एफ भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से क्या दिखाई देता है, यहां से ये देखता हूं कि अगर इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल 30 डिग्री और 70 डिग्री हैं और इस ट्राइंगल में भी दो एंगल 30 और 70, मतलब दो जो पेयर है वो इक्वल है, तो तीसरे पेयर का इक्वल होना कंपलसरी है एंगल सम प्रॉपर्टी में। मैं देखता हूं तो इसका एंगल सी जो है वो 80 डिग्री आ रहा है और इसका बचा हुआ एंगल एफ जो है वो 80 डिग्री आ रहा है, दोनों मतलब बराबर आ रहा है। तो अगर इन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं तो हमें तीसरे को इक्वल प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी करने की जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल भी इक्वल आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं इट शोज दैट It shows that if two pairs of angles are equal in any two triangles, then the third pair will obviously be equal. So triple A similarity criteria is also called
डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहने की जरूरत नहीं है, उसको डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल ए का मतलब क्या हो गया कि दो एंगल इक्वल हो गए तो भी मेरा काम हो गया, मतलब आपको तीसरा एंगल इक्वल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस दो एंगल इक्वल करिए और आप उसको डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखिए और कह दीजिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है, ये तो पहला क्राइटेरिया था ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं बेटा, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें लिखेंगे इफ द रेशियो ऑफ corresponding sides of two triangles are equal, then the triangles are similar then the triangles are similar to each other, ठीक है। तो जैसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता था, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में दो ट्राइंगल्स अगर दे रखे होते थे तो दोनों की जो तीनों साइड्स होती थी वो अगर एक दूसरे के इक्वल होती थी तो मैं उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देता था। यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं होंगी, लेकिन साइड्स का जो रेशियो है ना, साइड्स का रेशियो वो बराबर होगा। इफ द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कैसे, जरा देखिएगा। कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो वही मैं दो ट्राइंगल बनाऊंगा एबीसी और डीईएफ, एक ट्राइंगल ये हो गया ए बी सी, एक तो एबीसी हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया डी ई एफ। मानो कि ए बी अपॉन डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि ए बी मान लो 2 है और डी ई मान लो 4 है, बी सी मान लो 2.5 है और ई एफ मान लो 5 है, सी ए मान लो 3 है और एफ डी मान लो 6 है, ठीक है।
मैंने ये देखा कि अगर मैं ए बी अपॉन डी ई करूंगा तो 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, बी सी अपॉन ई एफ करूंगा तो 2.5/5 ये कितना हो जाएगा 1/2, और सी ए अपॉन एफ डी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि अगेन 1/2। तो तीनों का जो रेशियो आ रहा है वो तीनों का रेशियो इक्वल है और किसके बराबर है 1/2 के इक्वल है। तो हम बोलेंगे तो बाई ट्रिपलनेस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप देखिएगा ट्रिपलनेस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मिलता जुलता है, लेकिन था क्या कि ट्रिपलनेस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती थी, मतलब अगर ए बी है और डी ई है तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये अगर 2.5 है तो ये भी 2.5, ये अगर 3 है तो ये भी 3, तो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि तीनों साइड्स का रेशो वो इक्वल होना चाहिए, बेटा उत्तर समझ में आ गया दोनों में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में? यस सर, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारा तीसरा दूसरा क्राइटेरिया था, तीसरा क्राइटेरिया नोट करेंगे एस ए एस, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ पानी पी के, आप लोग 2 मिनट वेट करिए प्लीज। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल is equal to one angle of the is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles and the sides एंड द साइड्स। अब आगे इस तरफ लिख रहा हूं, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग and the sides including these angles are proportional including these angles are and the sides including these angles are proportional comma then the two triangles are similar then the two triangles are similar then the two triangles are similar, ठीक है। इसमें ऐसा है जरा देखिएगा कि दो ट्राइंगल मुझे दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ,
तो आप ये देखिए कि अगर इसका एंगल बी और इसका एंगल ई ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दो एंगल तो इक्वल दे रखे हैं, ये एंगल बी और एंगल ई तो इक्वल दे रखा है। और एंगल बी किन दो साइड्स की हेल्प से बन रहा है, एक तो ए बी की हेल्प से और एक बी सी की हेल्प से। तो ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, ये तो एक तो ए बी साइड हो गई जो इस एंगल को बना रही है, और दूसरी साइड कौन सी हो गई, बी सी। इसी तरह से यहां पर एक तो डी ई हो गई जो इस एंगल को बना रही है, और दूसरी साइड क्या ई एफ। तो ए बी अपॉन डी ई तो मैंने ले लिया, अब लूंगा बी सी अपॉन ई एफ। अगर ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ ये दोनों इक्वल हैं एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देन बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, देन बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए? बीच का एंगल हो और इसके इधर और इधर वाली साइड हो, तो एस साइड एंगल साइड, ऐसे यहां पर भी साइड एंगल साइड, समझ गए? क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, ठीक है जी। ये हमारे पास तीन हो गए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। पेज नंबर 135 एग्जांपल नंबर 4 मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये फिगर गिवन है और यहाँ ट्राइंगल दे रखा है पीओ क्यू, उधर तो है ये पी ओ क्यू और इधर है एस ओ आर, ओ आर गिवन गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये वाली जो लाइन है ना पी क्यू और ये वाली लाइन आर एस, ये दोनों पैरेलल दे रखी है। PQ is parallel to RS. तो इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, मुझे प्रूव क्या करना है यहां, पहले तो ये देखिए प्रूव ट्राइंगल POQ is similar to ट्राइंगल SOR. POQ और SOR इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR ये करना है। तो मैं ये कहूंगा, इसमें देखिएगा मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इसमें ऐसे लिख लेते हैं पहले, जिनको सिमिलर प्रूव करना होता है उनके लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, है ना, मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट
इंटीरियर alternate interior angles because PQ is parallel to RS. आप समझ गए होंगे कि जब ये वाली लाइन PQ और ये वाली लाइन RS पैरेलल है तो ये जो लाइन हो गई PS ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है. इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एक एंगल तो इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो गया और एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया. ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए. एक तो ये बात हुई. उसके बाद एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए सर, दूसरे रीजन में ये लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू और आर ओ एस जो है वो वर्टिकली अपोजिट है. बिल्कुल ये लिखेंगे. और चाहो तो तीसरा वाला एंगल भी लिख सकते हो पर उसकी जरूरत नहीं है भाई. हमारे अगर दो ही एंगल इक्वल आ गए तो मुझे तीसरा इक्वल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हम उसी को डबल सिमिलैरिटी बोल देते हैं. देखिए हमारा ये वाला एंगल जो है वो भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर ही तो होंगे. ठीक है, तो चाहे ये लिख दो. और ज्यादा आसान तो मैं ये समझता हूँ जो तुम बता रहे हो. हम बोलेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सॉरी एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर. इधर ये एंगल O है, इधर भी एंगल O है, तो जैसे यहाँ पर एंगल P और एंगल S मेंशन कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसको एंगल O मेंशन नहीं कर सकते. माना कि इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का एंगल O क्या कहलाएगा? POQ. तो देखो एंगल POQ और इस वाले ट्रायंगल का एंगल O क्या कहलाएगा? SOR बोलो या ROS बोलो, एक ही बात. एंगल एस ओ आर रीजन में लिखते ना वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हो गया. तो भाई डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR, यही प्रूव करना था. बताइए जी, क्लियर है सबको? अमन क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, दिशा और दिव्यांशी आप दोनों बताओ. यस सर. यस सर. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 4 था, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 5. Example 5 में observe figure 6.30 and then find angle P. मुझे 6.30 एक figure दे रखी है. एक छोटा triangle है. और एक बड़ा triangle है. छोटा triangle है ABC. ABC और बड़ा ट्राइंगल है PQR. PQR. ABC में एंगल ए है 80 डिग्री और एंगल बी है 60 डिग्री. इसी तरह से साइड्स दे रखी हैं 3.8, 3√3 और 6. और PQR में एक साइड दे रखी है 12, एक साइड दे रखी है 7.6 और एक साइड दे रखी है 6√3. ठीक है, तो ABC की भी तीनों साइड दे रखी है, PQR की भी तीनों साइड दे रखी है, एंगल नहीं दे रखे सारे. ठीक है, साइड दे रखी है, शायद मेरा इसी से काम बन जाएगा. जरा देखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल
पी क्यू आर, अगर मैं एबीसी और पी क्यू आर की बात करूं तो जरा देखना। अब यहां से एक चीज आपको समझाऊंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलते हैं तो वहां पर सीक्वेंसिंग का क्या रोल होता है, सीक्वेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, मैंने इसको एस ओ आर लिखा है तो क्या मैं इसको पलट कर आर ओ एस लिख सकता था? हम कहेंगे नहीं लिख सकते थे। ऐसा क्यों है वो अभी इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, हम सबसे पहले बोलेंगे कि यहाँ की साइड है 3.8, तो 3.8 से मिलता जुलता या 3.8 के टेबल में आता हुआ कोई नंबर नजर आ रहा है? मैं जानता हूं कि 3.8 का डबल होता है 7.6, तो मैं लिख सकता हूं कि 3.8 अपॉन 7.6 अगर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन आर क्यू, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगला देखते हैं, एक तो मुझे ये दिखाई दे गया था कि 3.8 का डबल है 7.6, और भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 का डबल है 12, तो मैं 6 और 12 को यूज करूंगा। देखिएगा, ये है 6 BC और 12 क्या है PQ, तो मैं लिखूंगा BC अपॉन PQ इज इक्वल टू 6 अपॉन 12, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, ये हो गया 1/2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो रेशो आ गए मेरे पास, दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 आ गई, तीसरा रेशो भी इक्वल आ गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये है 3√3 और ये है 6√3, 3√3 अपॉन 6√3 करूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा और 3 2 6, 1/2 आ जाएगा। तो लिखेंगे AC अपॉन PR is equal to 3√3 upon 6√3, root 3 से root 3 कट गया, 3 1 3 3 2 6, क्या आ गया 1/2। तो हमारी जो तीन इक्वेशन है, तीन जो रेशियोज आए, तीनों रेशियोज की वैल्यू आ गई 1/2 1/2 1/2। तो मैं कहूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, कंपेयरिंग equations 1 2, comparing equations 1 2 and 3, AB upon RQ is equal to BC upon PQ is equal to AC upon PR, ये तीनों ही इक्वल है और 1/2 के इक्वल है। यहां तक समझ में आ गया बेटा सब बच्चों को? सिमिलर ऐसे नहीं लिख देंगे हम कि हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, नहीं, ऐसे लिखने से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसमें जैसे 1, 2 और 3, ये तीन मेरे को रेशो दे रखे हैं, तो आपका जो मन करे आप वो दो रेशो पकड़ दो, तीन रेशो मत पकड़ो, आप इन्हें इन तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया। इक्वल प्रूव करने के बाद कोई भी दो रेशो पकड़ लीजिए, जैसे मान लो मैं पहला और दूसरा रेशो पकड़ लेता हूं, तो मैं कहूंगा ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। अब इनको लिखने का एक तरीका है, इनको लिखने का एक जो तरीका है वो ये है। देखो, मैं ये कहूंगा कि जब यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी सी है, तो ये जो ए बी बी सी, ए बी बी सी और ए सी लिखा हुआ है, ये छोटे ट्राइंगल की साइड्स लिखी हुई है। डिनोमिनेटर में आर क्यू पी क्यू और पी आर लिखा हुआ है, तो ये इस बड़े ट्राइंगल की, आर क्यू पी क्यू और पी आर, ये इस बड़े ट्राइंगल की साइड्स लिखी हुई है। तो जो
ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में वो छोटा ट्राइंगल है, तो इधर ए बी है और इधर बी सी है। आप इन तीनों में से कोई भी उठाओ, ए बी है और बी सी है, इन तीनों में आपको अगर आप कोई दो दो के जोड़े उठाओगे ना तो आपको कोई एक अल्फाबेट कॉमन दिखाई देगा। जैसे ए बी और बी सी है तो इसमें कॉमन क्या है, बी, इधर भी बी आ रहा है और इधर भी बी आ रहा है। बी सी और ए सी में कॉमन क्या है, सी, और अगर पहला और तीसरा उठाऊंगा तो ए बी और ए सी में कॉमन क्या है, ए, ठीक है ना। तो जो कॉमन वाला अल्फाबेट है उसको बीच में लिख दो, जैसे यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर बी सी, तो ये बी बीच में आ रहा है मतलब ए के बाद और इधर सी के पहले। तो अगर मैं दोनों को ओवरलैप करूंगा तो दो बार बी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ए बी सी लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर आर क्यू और पी क्यू में कॉमन क्या है, क्यू है, एक अल्फाबेट कॉमन क्यू है। तो मैं इसको ना ऐसे लिखूंगा कि ए बी अपॉन, ये जो आर क्यू है, इस आर क्यू को तो आर क्यू लिखा रहने दो, ऊपर बी सी या बी सी को बी सी लिखा रहने दो, क्योंकि ए बी और बी सी में बी बीच में आ रहा है। ऐसे ये आर क्यू और पी क्यू है तो इसको पी क्यू को पलट कर, जैसे ये पी क्यू है मैं इसको क्यू पी भी तो बोल सकता हूँ, एक ही बात है, तो पलट कर मैंने इसको QP लिख दिया। अब क्या है, AB और BC, B बीच में आ रहा है, RQ और QP, Q बीच में आ रहा है, तो अब इन दोनों साइड्स को ओवरलैप कर दो, तो AB और BC अगर इनको जोड़ दें तो ABC बन जाएगा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू RQ और QP को जोड़ दें तो ट्राइंगल RQP बन गया। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर चाहो तो इन दोनों को भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर BC है और यहाँ पर AC है, अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो इसको AC को पलट कर CA लिखना पड़ेगा क्योंकि C कॉमन है, C को बीच में लूंगा तो BC और CA हो जाएगा, मतलब ट्राइंगल BCA बन जाएगा। यहाँ PQ और PR, तो P इधर लिखा हुआ है, PQ को पलट कर QP कर दो तो QP और PR यानी कि QPR बन जाएगा, तो वो अगर सीक्वेंस लिखोगे तो वो भी ठीक है, ये लिखा है तो ये भी ठीक है। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. तो yes, sir. इसमें सीक्वेंसिंग जरूरी है। देखो अगर हम सीधा सीधा लिख देते कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, कैसे गलत हो जाता, कि अब जब ये सीक्वेंस ठीक है तो जो ट्राइंगल ABC में एंगल A है ये एंगल R के इक्वल हो जाएगा। इन्होंने मेरे से पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि आप एंगल P निकालिए, तो ट्राइंगल ABC में जो एंगल C है वो एंगल P के इक्वल होगा, तो मुझे ये C निकालना होगा, ये इस P के इक्वल होगा, समझ रहे हैं? तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, या बल्कि सीधा सीधा जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दिशा और डिपेंडेंसी आप दोनों को क्लियर है? यस सर। दिशा, अच्छा ये है नहीं ऑनलाइन, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, इट इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A और B कितना कितना है, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 80 और 60 140, उसको उधर ले जाएंगे, एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। बताइए जी, समझ गए? समझ गए सभी? ठीक है, चलिए जी, होमवर्क आपका अभी आगे की एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, वही पीछे वाली एक्सरसाइज आपको 6.2 कंप्लीट करनी है। आप चार बच्चे हो, चारों को बोल रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके उसकी फोटो खींच के मुझे भेजना है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपने होमवर्क किया है या नहीं करा। ठीक है, तो मेरे को होमवर्क करके भेजिएगा बेटा सभी बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। सर होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में एक्सरसाइज 6